नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माई क्लासरूम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को पता है CUET UG 2024 के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, लाइव है बहुत टाइम से क्या, दो दिन से फिलहाल। उसमें एक चीज देखने को मिल रही है कि दो तीन लिंक दिए गए हैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। पहला लिंक है NTA का खुद के वेबसाइट का, NTA.ac.in, जिसके थ्रू आप रीडायरेक्ट किए जाते हैं CUET के इस बार के नए वेबसाइट पे। उसके बाद फिर आपको एक दूसरी वेबसाइट पे जाना होता है जिसपे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे कैसे इन चीजों को सही करें। बहुत सी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, गलत जगहों को चले जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी फर्जी वेबसाइट्स हैं जिसपे जाकर के वो रजिस्टर कर दे रहे हैं। इस वजह से हम ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि किस वेबसाइट पे आपको जाकर के रजिस्टर करना है और कहां पे नहीं करना है। जिन वेबसाइट्स पे रजिस्टर करना है उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको डायरेक्ट ही रजिस्ट्रेशन करना है तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको NTA के वेबसाइट के थ्रू जाना है तो भी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको CUET के इस बार के वेबसाइट पे जाना है तो भी वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं जल्दी से कि कौन से वेबसाइट पे हमें जाना है, ठीक है, कौन से वेबसाइट पे हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है CUET UG। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो CUET UG.NTAonline.in पे जाना है। तो ये आपका ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसपे आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, ठीक है, अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे। और मैंने बार बार बताया है कि अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ दिन आपको वेट करना है, ठीक है। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डिटेल्स फिल मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ी हुई तो आपके एडमिशन में गड़बड़ी होना 100% फिक्स है। बार बार कह रहा हूं कि फॉर्म में अगर हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी भाई एडमिशन में, ध्यान रखो इस बात को, बार बार कह रहा हूं। फिर बाद में जा करके ये सोचने से कुछ नहीं होने वाला कि सर ने कहा था और मैंने नहीं सुना, ठीक है, इस बात को बहुत ही सीरियसली ध्यान रखिए, ठीक है। इस पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है। अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटीज या सिलेबस डाउनलोड करने के लिए या इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखने के लिए अगर आपको CUET के इस बार के वेबसाइट पर विजिट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको होम सेक्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्टली होम सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये नहीं लग रहा, ये काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं। अगर आपको CUET के वेबसाइट पर जाना है, CUET के वेबसाइट पे जाना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ exams.nta.ac.in/CUET UG पे जाकर के डिटेल्स लेनी है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए यहां से या डिटेल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन सेक्शन दिया हुआ है, यहां पे आपको इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स है, इसमें फिलहाल कुछ है नहीं। अभी यूनिवर्सिटीज में आप यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं, यहां पर अभी सिर्फ यूनिवर्सिटीज में भी सिर्फ आपको दिखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आपके डीम्ड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। इसमें अभी तक आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ करके कोई भी यूनिवर्सिटीज ऐड नहीं हुए हैं, इसलिए अभी फॉर्म मत भरिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपके सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें देखिए यहां पे अभी एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गया है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई है। धीरे धीरे करके सारे अपडेट्स किए जा रहे हैं आपके CUET UG के नए पोर्टल पे, ठीक है। और यहां पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ऐड हो गई है जिसमें KR मंगलम यूनिवर्सिटी आपकी पहली यूनिवर्सिटी है जो इस बार CUET UG 2024 में ऐड हुई है इस आपके नए पोर्टल पे, ठीक है। फिर मिलते हैं
कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए धमाके के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।